घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? क्या नहीं होगी पुष्पा 2 में बॉलीवुड स्टार्स की एंट्री? कहाँ होगी फिल्म की शूटिंग? क्या होगी पुष्पा 2 साउथ की नेक्स्ट हाई बजट फिल्म? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल साउथ इंडस्ट्री की बढ़ती सक्सेस को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी बवाल मचा हुआ है। साउथ इंडस्ट्री की फिल्म्स का कंटेंट ज्यादा एंटरटेनिंग होने की वजह से बॉलीवुड फिल्म के व्यूअर्स भी साउथ मूवीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते नजर आ रहे हैं। साउथ की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते बॉलीवुड तो साउथ एक्टर्स को अपनी फिल्म्स में लीड रोल देने तक के लिए रेडी है, लेकिन बॉलीवुड के लिए सैड न्यूज ये है कि साउथ इंडस्ट्री को नहीं है बॉलीवुड स्टार्स की खास जरूरत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 की। हाल ही में दोस्तों पुष्पा 2 की कास्टिंग टीम ने डिसीजन लिया है कि मूवी में बॉलीवुड एक्टर्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। सोर्सेज की माने तो कास्टिंग टीम का ऐसा मानना है कि साउथ की मूवी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साउथ स्टार्स का रहना ही बेहतर है। सोर्सेज की माने तो पुष्पा 2 के राइटर और डायरेक्टर एक बार फिर अपनी राइटिंग टीम के साथ बैठकर स्क्रीन प्ले के परफेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं। हाई चांसेस है कि फिल्म का शूट मारेदुमिली फॉरेस्ट ईस्ट गोदावरी में किया जा सकता है। अब बात की जाए फिल्म के बजट की तो पुष्पा 2 बन सकती है साउथ की नेक्स्ट हाई बजट फिल्म। पुष्पा 2 का बजट पुष्पा के फर्स्ट पार्ट से काफी हाई रखा गया है। पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को ₹194 करोड़ के बजट पर बनाया गया था, जबकि प्रोड्यूसर्स अपकमिंग फिल्म पुष्पा के लिए 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। फिल्म के बजट को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये फिल्म काफी ग्रैंड होने वाली है। लगता है फिल्म के सीन्स को सुपर एंटरटेनिंग बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स ने खुला खर्चा करने का प्लान किया है। अब देखना ये है कि इतना बड़ा बजट रखने के बाद भी इस फिल्म के लिए बड़े पर्दे पर पॉजिटिव रिव्यूज आ पाते हैं या नहीं। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है सुहानी।